ये अग एक भीर की मेहनत नू लगी आ, एक भीर की दिन रात की हुई कमाई नू लगी आ। कहण दे मुताबक कि अग किसी ने जानबूझ के लगाई आ विरोधी ने। किदा अग का कारण की हो सकता है जी? लाई अग में जे किसी की दुश्मनी भी है, देखो बंदे नाल कढ लो, जिवें किसी नू जानो ना मारो, ये तो मतलब मारन तो भी परे हो गया जी। करजा शरजा चक के बेचारे ने ठेके से एक बेलर लिया, जो इन्हें अगे हूँ यदि भी मैं मेहनत करूँगा, चार पैसे बटूंगा तो यह बेलर मेरा अपना हो जूगा, अगे मैं होर कमाई करूँगा। पर किसी पापी धोखेबाज इंसान ने ये माल में अग लाती जी, जिहड़ा 25-30 लाख का यदा माल सीगा, सड़ के तुहाडे सामने बिल्कुल सुआह हो गया भाई जी। की कहिए लोगों का, हूँ पूरे रह के कम भी नहीं कर दे रहे। अग दूसरे पास लगे से ऐ घूम गई, अच्छा जिमें किसी ने पहले ही कोई सात उसके तहत चारे पास अग लग गई, ये तो किसी ने जान बुझ के किसी ने कोई रंजस कढ़ी आ। भी 1.5 घंटा साढ़े को फायर ब्रिगेड भी नहीं सी आई, दिल तो साडा यह करता भाई जी भी असी भी अग के बिच ही सड़ के मर जाइए, क्योंकि साढ़े बच्चे की बहुत बड़ी मेहनत थी भाई जी। ये सारी राजनीतियां पार्टियां यार फेसबुक से चिंबड़े भी एक दूजे हमेशा पोसन वास्ते गंदी राजनीति करते, चाहे कोई भी पार्टी आ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं, सारिया पार्टियां बच्चे लैके कहना भी गंदी राजनीति करते हैं एक दूजे को फेसबुक से भंडन में अपना नाम चमका। जो कोई इदा का कम हों इतें कोई आके नहीं खड़ता है, पर इन्हें एकदम फुकना ही है। आप चाहे तू फरोल लीए, चाहे तो जिन्ना मर्जी पानी पा लीए, बड़े सारे इदा ही मगूगी। किन्ने जो पानी लग गया सर? इतने साढ़े आने तो पहला ही मतलब भी 6-7 फायर टेंडर लग चुके हैं, जो असी आए हैं साढ़ा हम खुद का 3 फायर टेंडर है जी। ये सत श्री अकाल जी, तुसी पंजाबी लोक चैनल देख रहे हो, मैं मनविंदर सिंह चिवाणा। इस समय असी नाभा दी सब तहसील पासों के पिंड चासवाल मौजूद हाँ, जिथे नाभा पासो रोड के बिल्कुल नज़दीक पराली दीआं गठां दे रैक लगाए गए सीगे। इलाके दे नौजवानों वालों मेहनत की जा रही आ, वड्डी मशीनरी खरीद के मेहनत करके अपनी कमाई कर रहे सीगे, पर इत्थे तुहानूं अग लगी भी दिखाई दे रही होगी। ये अग काफ़ी लंबे समय तो चल रही आ, इन्हें चल के बुझ भी जाना है, पर जिहड़ी अग जिहड़ा साड़ा है जिन्हां दे दिलां दे विच पैंदा है, वह किस तरह बुझूगा, वह वड्डे सवाल ने। कहण दा मतलब ये आ, वीरों नहीं कह रहे ने कि अग किसी वल्लों लगाई गई आ, फिर लगाई गई आ जे दिल च साड़ा सीगा तां लगाई गई आ, कौन सीगे लोग क्यों अग लगाई ये तां हुण रब जाणदा है। पर गल्लबात करांगे इत्थे वीरों नहीं ने जिन्हां ने मेहनत करके इत्थे गठां कट्ठियां कीतियां सीगियां, सो गल करन दी कोशिश करदे आ। हाँ जी बलबीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह भाई जी। बलबीर भीरे, की कारण आ ये जिहड़ा इत्थे अग लगी आ, ते काफ़ी कहिंदे समा हो गया 7 बजे तो तकरीबन ये अग आ जिहड़ी बुझाउण दी कोशिश कीती जा रही है। मनविंदर जी, ये किसी शरारती अंसर ने साढ़े बच्चे की मेहनत सी परमवीर दी इहदी जी, जिहड़ा मतलब भुखा ते हया रह के इहने बड़ी मेहनत करके ये कम कीता सीगा अपना, क्योंकि थोनू पता है किसानी के कहे जे हालात ने अज जी, किसानी पहले ही मरन कंडे पहुँची पई है, बुरे हाल ने किसानां दे। ये साढ़े बच्चे ने पिछली बार भी साढ़े को एक बेलर सीगा जो असी रल के चला रहे सी, इस बार इन्हें हिम्मत की भी मैं भी एक बेलर अपना ले लवां। इन्हें जी ये बेलर करजा शरजा चक के बेचारे ने ठेके से एक बेलर लिया, जो इन्हें अगे हूँ यदि भी मैं मेहनत करूँगा, चार पैसे बटूँगा तो यह बेलर मेरा अपना हो जूगा, अगे मैं होर कमाई करूँगा। पर किसी पापी धोखेबाज इंसान ने ये माल में अग लाती जी, जिहड़ा 25-30 लाख का यदा माल सीगा, सड़ के तुहाडे सामने बिल्कुल सुआह हो गया भाई जी। ही जिवें हुणे असी गल कर रहे सी पहलां भी, क्योंकि जे किसी की दुश्मनी भी है, देखो बंदे नाल कढ लो, जिवें किसी नूं जानो ना मारो, ये तो मतलब मारन तो भी परे हो गया जी। ये तो अग दिख भी रही है जिहड़ी उहनां दे दिलां दे विच लगी भी, वह अग नूं कौन देखूगा, वह तो रब ही देखू भाई। बिल्कुल भाई जी बिल्कुल, क्योंकि असी इन्ने ज़्यादा परेशान हाँ, मतलब 7 बजे तो यह अग लगी हुई है, 7 बजे तो ही असी उरे संघर्ष कर रहे सी इहनूं भी, जे अग बुझ जाए कुछ थोड़ा मोटा साडा माल बच जाए जी, पर उहदे विच कुछ नहीं बचिया, साडा सारे का सारा माल भाई जी सड़ के सवाह हो गया, जिहदे विच ये बच्चा साडा परमवीर उस वेले तां उरे अग मचदी देख के एक बार तां डिग गया सीगा, जिहनूं असी चक के मैडिकल स्टोर ते लैके गए, इहनूं दवाई बूटी दवाई, तां हुण दुबारा लिया के इहनूं खड़ाया,
तो असी धन्नवादी हाँ साढ़े मार्केट कमेटी के चेयरमैन दीपा जी जिहड़े उदों तो ही बाई ने साड़ी आके बड़ी हैल्प की है, क्योंकि ये तो पहला मैं कह तो बाई जी ग्रेज नहीं करूँगा भी डेढ़ घंटा साढ़े को फायर ब्रिगेड भी नहीं सी आई जो दीपा रेमगढ़ जी आ गए ने इन्हों का असी धन्नवादी हाँ, चाहे साडा माल बचिया या ना बचिया वो एक अलग गल है, पर इंसानियत नाते इन्होंने जी सा हैल्प की तो साढ़े को तीन चार ये जड़िया अग बुझाने वाली गड्डिया ने पहुंचिया ने, पर सानू वो लाभ कोई नहीं होया जिदे की है भी दिल तो साडा यह करता बाई जी भी असं भी अग के बिच ही सड़ के मर जाइए, क्योंकि साढ़े बच्चे की बहुत बड़ी मेहनत सी बाई जी, ये साढ़े सुपने सारे झकना चूर हो गए क्योंकि बच्चे का छोटे होंदे बाप स्वर्गवास हो गया सीगा उदों तो यह मुंडा मेरे नाल रह के मेहनत कर रहा है, क्योंकि साड़िया बड़िया इच्छावां सी मनविंदर जी असी तो बस थोड़े चैनल राही हुण पंजाब सरकार तक दीपे बाई नूं भी बेनती करांगे भी जिस तरीके नाल भी सरकार ये मुंडे की मदद कर सकती है जां कोई समाज सेवी संस्थावां ने वह भी ये बच्चे की मदद करन, क्योंकि इहो जिहे हालातां जी आपां देखदे हां बाई जी आत्महत्या कोई शौक नूं नहीं करदा, जदों बंदे दे अरमान मर जांदे ने ना फिर उहनूं जिउणा बड़ा औखा लगदा मनविंदर जी। इहना बाई बहुत वीर ने जिहड़े समाज सेवी हैगे ने मदद करनगे करदे भी आए ने साडे वीर किसे दी पिट्ठ नहीं लगण दिंदे, बड़ा माण आ पंजाबियों ते सानू। किदां वीर दा घरों कारोबार किदां दा जी? घरों वीर जी ये कोले इस टाइम बस यही यदा सारा कुछ सीगा, होर ये कोले कोई इनकम का साधन नहीं है भी जी, यही इन्हें बिल रजो लिया थी ठेके ते लिया थी भी इस बार इन उम्मीदां सीगा मैं मेहनत करूँगा भी अगली बार मैं अपना बिल अपना ले लूँगा तो अगे होर कम करूँगा, सानू भी बड़ी आसा सीगियां क्योंकि सानू भी असं बच्चों वागे नूं पालिया बाई जी। भाई मनविंदर गल नहीं हो रही मेरे तो मैं माफ़ी चाहना। सो वीर आ, हाँ जी वीर जी की नाम है जी? परमवीर सिंह जी। परमवीर भी जी हौसला रख, कोई गल नहीं, समय बदलते रहेंगे ने, वक्त पे आए परमात्मा आप ही ठीक करूगा, हौसला रखो तुसी। ते की लग रहा है किदा अग का कारण की हो सकता है? भी जी लाई अग किसी ने, लाई आई अग किसी ने, कोई कारण होर भी कारण होंदे ने भी लग जांदी होंदी कई बार, पर जिहड़ी अग जिहड़ी लगदी असीं देखदे आ रहे हैं पर बचालों अग लगूगी जे अपने आप कुदरती तौर ते लगू। कोई माल मेरा बिलकुल सुक्का पिया फैक्ट्री दे विच जा रहा सी, हुण 15-16 माउचर आ रहा सी उहदा। अच्छा। ते शुरू तो गट तो पहली गट तो अग लगी आ मूरों। अच्छा। आम आपां देखदे आ जे कोई गट नूं अग लगदी आ डंप नूं अग लगूगी तां बचालों अग लगूगी। हवा वाले रुख तो लगी अग इधरले पास्यों, हवा परां चल रही आ परां नूं अग लगी आ, मैनूं लगदा 10 मिंट दे विच सारे आले दुआले अग घुम गए। अच्छा। हवा परां नूं चल रही आ, अग इधर नूं भी आ रही आ। ਬਾਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਯਾਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ, ਧਾਗਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਰਿਪੇਅਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਖਰਚੇ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਚੌਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਟਰਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ 3, ਪੇਲਰ ਤੇ 2 ਡਰਾਈਵਰ, ਮੂਹਰੇ ਰੈਕ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਗ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ? ਬਾਈ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕੀ ਕਹੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ, ਉਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਘਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਸ। ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। 88-7021-8000-9 88-7021-8000-9 ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਕਿਹੜਾ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਚਾਸਵਾਲਾ ਜੀ। ਚਾਸਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੀਰ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਂਗ ਅੱਗ ਚੜ੍ਹੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਗ ਉੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਐਂ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਧਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੰਜਸ ਕੱਢੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤਨੋ ਮਨੋ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ,
तो मैं तो बाकी मेरे किसान भीर बेनती करदा भी बाकी जिहड़े को रहिंदियां गठां ने तो वीर को बनवाओ तो मैं एक अपने जिहड़े अपने गठां वाले अपने मेरे दूसरे बेलर वाले भीर बेलर वाले भीर बेनती आ भी वीर जो बाला नहीं दो दो ट्राले दे के वीर की आप इदा ही मदद कर सकते क्योंकि पंजाबी बहुत दरिया दिल ने सो वीर की मदद करो वो तो वह बाकी मैं प्रशासन वालों भी भरोसा दवाना मैं एमएलए गुरदेव सिंह देवमान जी अज कि बहर गए तो उन्होंने भी गल करी तो सवेरे एस डी एम साहब न मिलना तो सरकार वालों भी पूरी वीर की मदद की जाऊ तो असं अपने वालों भी साढ़े किसान भरावान नाल लैके वीर की मदद करा जो होया बहुत माड़ा होया जी। परमवीर जी कि नुकसान लगता थोनू हो गया थोड़ा भी जी तकरीबन 250 to 300 के ट्राले के बीच अच्छा 25 to 30 सारी राजनीतियां पार्टियां यार फेसबुक ते चिंबड़े वे एक दूजे हमेशा कोसण वास्ते गंदी राजनीति कर दें चाहे कोई भी पार्टी आ मैं किसी पार्टी का नाम नहीं सारिया पार्टियां लैके कहना भी गंदी राजनीति कर दें एक दूजे फेसबुक से भंडण अपना नाम चमका जो कोई इदा का कम हों इत कोई आके नहीं खड़ता है इदा के कम जर हूँ वीर का नुकसान होया बहुत बड़ा नुकसान हो सारे इलाके पता होर भी जिते घटनावान होंगे ने मैं हथ बन के बेनती करदा सारी राजनीति पार्टियां भी इदा के काम च मूहरे आके भीर की लौटबंदा की मदद करो भाई जी। राजनीतिक पार्टियां अज तक इदा के कामों कित कोई मूहरे नहीं आता समाज सेवी ने जोड़े जिन्हों पर सूँ माण आ करोड़ों रुपया इकट्ठा कर देंगे ने जोड़े साढ़े NRI भीर ने बहर बैठे ने उन्होंने माण आ जोड़े इदा के भीर के नाल खड़ते हैं बहुत जगह पर इदा दबर की करोड़ों रुपया इकट्ठा होंगे है पर राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने वोटा लैनिया ने सियासत करनिया ने बिल्कुल 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 मैं थोड़े न सहमत हाँ तो अपने पंजाबी दरिया दिल ने जिथे भी कितने अपने पंजाबी वीर कोई लौटबंद लौड़ पई है तो मूहरे होकर मोढ़ी होकर मदद करते हैं सो मैं राजनीतिक पार्टियां भी कहूँगा भी इदा के जो कोई किसी के वक्त पैंता तो मूहरे होकर मदद करो जी। सो ये थोनू असी खबर दिखाई आ वीर आ परमवीर चासबाल तो यदा नंबर इन्होंने दसिया है इन्हों संपर्क करके जेडे वीर मदद करना चाहते ने चाहे थोड़ी चो थोड़ी करो मदद जरूर करो वीर आ जोड़ा इन्हें कम तोरिया घर होर कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है यही कम जिदे सिर पर इन्हें अपना रोजी रोटी चलानी सी बिल्कुल कम आ जोड़ा ठप्प हो चुके नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया वीर कह रहे हैं कि 40 lakh के लागे नुकसान आ सो जरूर मदद की जाए संपर्क किया जाए फोन नंबर असी ये तो गूगल पे चलता वीर जी हाँ जी चलता जी जी सो ये तो गूगल पे भी चलता है जो गूगल पे करना चाहते ने जिन्ना भी हो सकता मदद जरूर की जाए चाहे 100 rupees किया जाए 1 rupee किया जाए 10 rupees किए जा पर मदद जरूर की जाए क्योंकि बूंद बूंद नाल घड़ा भरता है। सो फिर मैं इन्हें इतने वीर उन्होंने भी गल करा कि हाँ जी वीर जी की नाम है जी मेरा जी विक्रम कुमार है जी। विक्रम जी किस तरह का लग रहा थोनू सिस्टम क्योंकि बड़ा लंबा टाइम हो गया थोनू भी जद्दोजहद करदे नू किन्नी कग है की है भाई जी मैं नाभे फायर ब्रिगेड विखे अपनी ड्यूटी करदा जी ते असी इदों पहला सीगे लक्ष्मी पैलेस दे पिछे एक पिंड है की नाम सी पिंड दा इंद्रपुरा पिंड सीगा जी उत्थे इदों डबल सीगा मतलब उन्हां स्टॉक कीता होया जी तो सर असी उत्थे सीगे उत्थे ओं फिर सानू जदों साडा अपने नाभे दे विच दो फायर टेंडर ने जी जी तो दूजा साडा फायर टेंडर आया उस तों बाद असी उत्थों क्लीयर करके क्योंकि उत्थे भी पातड़ा समान दीआं उत्थे गड्डियां आ चुकियां सीगियां जी उत्थों फिर असी अपना फायर टेंडर कढ के असी नाल दे नाल इत्थे आ गए आ तो जिहड़ी इत्थे कॉल आई सीगी उह सानू आई सीगी 7:20 ते कॉल आई सी क्योंकि मैं असी तो उत्थों पहलां वड्डा फायर टेंडर असी इत्थों लैके चले गए सीगे 7:20 ते उत्थे कॉल आई सीगी ते इत्थे मतलब मुंडे 7:35 वगैरह ते पहुँच गए सीगे उदो बाद ते चलो बाकी स्टेशन तो भी गड्डियां आ गई असं इतों रिकवर करके माड़ा मोटा जो होया साढ़े तो असं वापस आ गए तो हूँ इतने गोबिंदगढ़ की मलेरकोटला की एक नाभे की मतलब 3-4 फायर टेंट इतने अपना काम कर रहे हैं सर जी
जी बाकी सर मतलब जी अपनी गठा की अग है जी सर जो एक बार अंदर चली जाए तो सर इनू बंद करना मतलब भी एक चैलेंज ही है थोड़े वास्ते इस करके सर अस दो फायर टेंडर खड़े है किन्ने किन्ने जो पानी लग गया इत सर इतने साढ़े आने तो पहला ही मतलब भी छे सत्त फायर टेंडर लग चुके हैं जो असी आए हैं साढ़ा हम खुद का तीजा फायर टेंडर है जी ये पांच हज़ार लीटर पाने जी और जोड़ा आ दूजा फायर टेंडर ये भी पांच हज़ार लीटर पानी जो बाहर खड़ा जी तो सर असी तकरीबन तकरीबन जी भी जे ज़्यादा नहीं तो बारह तेरह फायर टेंडर ला चुके हैं जी क्योंकि उदो गोविंदगढ़ जो असी नहीं सी मतलब साढ़ी एक फायर टेंडर सीगा तो गोविंदगढ़ के इतों दो फायर टेंडर आ चुके थे तो उन्होंने भी अपना मतलब जोर अजमैश की सी बाकी जी अग है ये तो जो एक बार अंदर बग जाए सर फिर उन्होंने थोड़ा जहा टाइम लग जाता जी जी क्योंकि हूँ जो ये चल रही है तो ये सर इन्हें फुकना बिल्कुल बिल्कुल सर इन्हें एकदम फुकना ही है अपना चाहे फरोल लीए चाहे तो जिन्ना मर्जी पानी पा लीए बड़े सारे इदा ही मुकूगी जी बाकी असी खड़े हैं सानू बाई जी मैं दिख नहीं रहे उन्होंने मना करता कहिंदे इहनू फुक लैण दो भी इहनू फुकन दो ते भी तुसी हले पानी ना पाओ भी जे असी क्योंकि अग अंदर चली गई है इहने रुकना तो है नहीं बाई जब तक असी पानी पा रहे हैं सर फिर मतलब वो थोड़ी जिही अग ठंडी हुंदी आ उदों कुछ सैकेंड बाद फिर इदा ही चलती है मेरे को वीडियो ने मैं तुम दिखा असं उतों तो लैके इतक कवर की जिदा ही असं दोबारा भरन गया सर दोबारा फिर उदा सेम जिदा एज इट इज पहला चल रही थी उदा एज इट इज चल रही है जी भर के कितों लैके आने सर अपना इतने ज्योति ज्योति मिल्स है जी माधव सॉरी माधव उन्होंने हाँ जी उन्होंने भर रहे हैं जी ठीक है धन्यवाद थैंक यू सर सो तुम देख रहे हो बड़ा नुकसान होया है सो अधिकारी भी खड़े ने फायरमैन ने भीर इतने खड़े ने कहते काफ़ी पानी है जोड़ा लग चुके काफ़ी गड्डिया लग चुकिया ने फिर भी अग पर काबू नहीं पाया गया फिलहाल भीर मदद की लोड़ आ मदद लिए अपील भी की उन्होंने अपना गूगल पे नंबर भी दिता है जोड़े सज्जन मदद करना चाहते हैं वो जरूर करो धन्यवाद जी।